जानकार बता रहे हैं कि मई के मध्य में हर दिन कोरोना के 8 लाख मामले सामने आ सकते हैं। भारत में दो दिनों से रोजाना 4 लाख के पार केस सामने आ रहे हैं, उनमें अब दोगुनी बढ़ोतरी की आशंका जाहिर की गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी की महामारी वैज्ञानिक डॉक्टर भ्रमर मुखर्जी ने अपने स्टडी में अनुमान जताया है। भ्रमर मुखर्जी पिछले साल मार्च से ही भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण का अध्ययन कर रही है। भ्रमर ने सरकारी आंकड़ों और मैथमेटिकल मॉडल की मदद से भारत में कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक होने का अनुमान जता दिया था। अब भ्रमर ने अपनी स्टडी में मई के दूसरे हफ्ते में 8 से 9 लाख केस रोजाना आने की बात कही है, जबकि मृतकों की तादाद 4,500 से अधिक होने की आशंका जाहिर की है। कोरोना के मौजूदा आंकड़े ने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। कोविड मरीजों के इलाज में लापरवाही की तस्वीरें भी रोजाना सामने आ रही हैं। कई जगहों पर संक्रमितों को बेड तक मयस्सर नहीं हो रहे हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर चुके हैं, जो दूसरी लहर से काफी घातक होगी। और अमेरिकी डॉक्टर भ्रमर मुखर्जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।